हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नोएडा रियल्टी। वंस अगेन वी आर विजिटिंग सिंधुजा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, लोकेटेड बिसाइड सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन। दिस वीडियो इज जस्ट एन अपडेट टू सिंधुजा ग्रीन्स साइट टूर। इस पर्टिकुलर वीडियो को कवर करने का पर्पस ये है कि आप प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टेटस, किस तरीके से पोजीशन हैंडओवर करने वाले हैं, क्या करंट डेवलपमेंट है, दिस कवर्स एवरीथिंग। सिंधुजा ग्रीन्स की अगर हम पोजीशन स्टेटस की बात करें तो फेज वाइज पोजीशन है इसका, फेज वन और फेज टू, दैट विल शो यू इन द वीडियो। सो दिस इज योर सिंधुजा ग्रीन्स साइट लोकेटेड बिसाइड सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन। अगर हम सिंधुजा ग्रीन्स की बात करें तो 75 यूनिट इन टोटल है इसमें। फेज वन में आपका 48 यूनिट्स है और फेज टू में 27 यूनिट। In case if you are liking the video content, please watch it completely. Possession की अगर हम बात करें तो phase 1 की possession offer की जा रही है। Current time की बात करें तो ये fit out period चल रहा है इस समय। और वही अगर हम phase 2 की बात करें तो जो possession है that will be given by December this year. अब जो ये structure work आप देख रहे हैं, this is your phase 2. वेरिएंट की बात करें अगर यहाँ पर तो आपको 3 और 4 BHK के विला वेरिएंट्स मिल जाते हैं। साइजेस की बात करें तो 1700 स्क्वायर फीट से लेकर आपको 2460 स्क्वायर फीट तक का विला मिल जाता है। जो मिनिमम साइज है दैट इज 1700 स्क्वायर फीट और जो मिनिमम लेआउट है वो 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट का है। सो दिस वॉज द अपडेट ऑन द सिंधुजा ग्रीन्स विला। सिंधुजा ग्रीन्स में इन्वेंट्री की बात करें तो देर आर नो इन्वेंट्री लेफ्ट इन द विला। So current screen पे जो आप देख रहे हैं, this is your phase 1 develop. The internal work has been complete, outer road work has been done. In case if you are liking the video content, please watch it completely. So this is your development opposite to Sindhuja Green. यहाँ पे आपको हाई राइज सोसाइटी मिल जाती है। इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में आपको ATS का हैप्पी ट्रेल्स मिल जाता है, अरिहंत अबोर्ड इज देयर, कोको काउंटी इज देयर, महागुन मंत्रा इज देयर। उसके साथ आप जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं लो राइज अपार्टमेंट, दीज आर योर अथॉरिटी लो राइज अपार्टमेंट। सो दिस इज द लोकेलिटी नियर बाय सिंधुजा ग्रीन। सिंधुजा ग्रीन्स की अगर हम बात करें तो दिस इज योर गेटेड कम्युनिटी विद ऑल 3-tier सिक्योरिटी। So this is how the elevation of villa looks like. The purpose of making this villa is that they'll be coming up with a new project जहाँ पे एक अच्छी investment opportunity होगी, where you can buy your dream home. अगर हम उस particular project की बात करें तो that is about to get launched. तो वहाँ पे आपको एक early bird opportunity मिल जाती है to invest in the project and to buy your dream home. Amenities की बात करें सिंधुजा ग्रीन में तो you get your club, your park is there, your gym would be there and your society commercial is there. So, अब जो विला हम विजिट करेंगे, this is your 2100 square feet sample villa. So, this is front elevation of your villa. So, this is a grand entrance to your villa. आगे अगर आप देखेंगे लेफ्ट में आपको पार्किंग स्पेस मिली थी। विला के फ्रंट में 4x12 का आपको एक एरिया मिल जाता है जिसे आप ग्रीन प्लांटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। एंटर करते ही आपको एक ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया मिल जाता है जिसका डायमेंशन 12x20 का है। So this is how your kitchen looks like. Dimension की बात करें तो 6.5x12 की किचन है ये। Current जो unit आप देख रहे हैं, this is 90 square yard villa. 2100 square feet total construction area इस unit का। So now this is a bedroom at the ground floor. 13.5x10 का dimension है इस bedroom का। Right में जो आप area देख रहे हैं, this is your shaft area. आप इसे washing area की तरह use कर सकते हैं। Currently जो आप देख रहे हैं, this is your actual unit. So this is the common washroom at the ground floor. डायमेंशन की बात करें तो दिस इज 6.5x9। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट फ्लोर। करंटली जो आप ग्रिल देख रहे हैं या जिस तरीके से स्टेयर्स पे देख रहे हैं, यू विल गेट एज इट इज। ये बेसिकली आपको इसी तरीके से ग्रिल भी मिलेगी, स्टेयर्स पे भी आप जिस तरीके से फ्लोरिंग देख रहे हैं वो भी सेम रहेगी। सो दिस वीडियो कंटेंट इज जस्ट एन अपडेट टू सिंधुजा ग्रीन विलास। अगर आप सिंधुजा ग्रीन के बारे में ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, यू विल गेट द कंप्लीट साइट टूर। सो ये एक मास्टर बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे। इसके डायमेंशन की बात करें तो 14x10 का डायमेंशन है इसका। शाफ्ट एरिया होने की वजह से यू गेट प्रॉपर सनलाइट इन द रूम।
अलॉन्ग विद द बेडरूम एक आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है जिसका डायमेंशन 6x5 का है, एडजेसेंट टू द वॉशरूम। वॉशरूम का डायमेंशन आपका 6x9 का है यहाँ पे। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ बेडरूम। फोर्थ बेडरूम का डायमेंशन है आपके 11.5x13 का। सो दिस डज हैव एन अटैच वॉशरूम अलॉन्ग विद योर बैल्कनी एरिया। बैल्कनी की बात करें तो 13.25x8 की आपकी बैल्कनी हो गई। इस बैल्कनी में आपको एम्पल स्पेस मिल जाता है सो दैट यू कैन सिट एंड एंजॉय द सनलाइट। सो दिस वॉज द अपडेट ऑन द सिंधुजा ग्रीन्स विला। सो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम की बात करें तो दिस इज 9.5x13.5 कनेक्टेड विद योर बैल्कनी। सो दिस इज योर बैल्कनी एरिया। सो नाउ मूविंग ऑन टू द टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे एंटर करते ही हमें एक मुमटी एरिया मिल जाता है जो मल्टीपर्पज स्टोरेज एरिया की तरह काम आ सकता है। सो नाउ दिस इज योर टेरेस एरिया। वी होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। इन केस इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट सिंधुजा ग्रीन्स यू कैन कनेक्ट अस ऑन द नंबर मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। इन केस आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।